अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, एवरीथिंग इजी चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज 22 जनवरी 2022 है। अब से कुछ वक्त पहले सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कोरोना वायरस के मुताबिक नया दर्दशुमार जारी कर दिया, जिसमें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कमी का सिलसिला बाकायदा शुरू हो चुका है। पिछले 3-4 दिन से कोरोना केसेज में कमी आ रही है। 16 जून को आप लोग जानते हो 5928 केसे रिकॉर्ड हुए थे, फिर उसके बाद दोस्तों 20 जून को 5591 केस रिकॉर्ड हुए, जिसमें तकरीबन 300 लगभग कमी आई। 21 जनवरी को 4884 केस रिकॉर्ड हुए, जिसमें तकरीबन 200-700 केसों की कमी आई। और दोस्तों, आज जो सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कोरोना वायरस के मुतालिक दर्दशुमार जारी कर दिया, इसमें 4608 नए कोरोना मरीज रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि दोस्तों कल के मुकाबले में 200-300 केसे कम रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके साथ 4622 नए कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, 2 अशखास वफात हुए हैं, जिसके साथ अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से वफात होने वाली मरीजों की टोटल तादाद 8918 हो गया। जबकि दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब की मुख्तलिफ मनातक अस्पतालों में 637 क्रिटिकल मरीज इंतहाई निगहदाश्त में रखे गए हैं। ये दोस्तों चंद दिन पहले सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया था कि आइंदा हफ्तों में कोरोना केसेज में इजाफा मुतवक्के है। इसके साथ साथ उसने बताया था कि महीने के आखिर तक कोरोना केसेज में दोबारा कमी आना शुरू हो जाएगी, तो अल्लाह करे कि कमी ऐसा बरकरार रहे और कोरोना केसेज दोबारा 2 फिगर में चला जाए, ताकि जो क्वारंटीन वगैरह है ये भी खत्म हो जाए।